हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। हम अपने सेशन के दौरान काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो एक पीडीएफ आपको 3-4 दिन पहले मिली थी, इसके अंदर 20 क्वेश्चन दिए गए थे और इसके अंदर सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए थे। नेक्स्ट पीडीएफ से कोशिश की जाएगी, जो नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो बाईलिंगुअल मिले, दोनों भाषाओं में मिले, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट जो है पहला है काइनेमेटिक्स का या फिजिक्स का, दूसरा इससे पहले एक डायमेंशन का भी दिया था, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स की थ्योरी 11th क्लास की जो वीडियोस हैं उनके अंदर डाली गई है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है, और इंग्लिश में आप उन्हें देखते रहें, मतलब इंग्लिश में आप देख लेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट, एक आदमी 1 मिनट के लिए चलता है, किस स्पीड के साथ एक आदमी, एक मनुष्य 1 मिनट तक 1 मीटर प्रति सेकंड के चाल के साथ चलता है और फिर वह 1 मिनट तक 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल के साथ दौड़ता है, तो हमें उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए गाइस, जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है, उसका सूत्र होता है टोटल डिस्टेंस कुल दूरी। क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, उसका क्या बनता है, आपका सूत्र बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका सूत्र क्या बनेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। डिस्टेंस को हिंदी में आपको पता है दूरी कहते होंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे देखेंगे कि अब हमें करना क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक मनुष्य कितना, 1 मिनट के लिए 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, मतलब 1 मिनट जिसके अंदर 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड भाई, 60 सेकंड, और उसकी चाल कितनी है 1 मीटर प्रति सेकंड, उसकी चाल कितनी है 1 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले 1 मिनट में उसने कुल कितनी दूरी तय की होगी, 60 मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे, पहले 1 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, 60 मीटर दूरी तय की। वैसे ही अब बात की जाए कि वो अगली एक मिनट में वो कितना चलता है भाई, अगली 1 मिनट में वो चलता है 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल के साथ। अगली 1 मिनट में कितना चलता है, 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल के साथ में चलता है। तो अब देखेंगे, अब फिर से क्या होगा, वहीं 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। आप अपनी नोटबुक और पेन को साथ लेके चलते रहेंगे और लिखते रहेंगे, क्योंकि आइज इसमें बार बार इरेज हो जाता है, तो ये आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। और वो 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, मतलब वो 1 सेकंड में 3 मीटर जा रहा है, तो 60 सेकंड में कुल कितना चला जाएगा, 180 मीटर। पहले केस में कितना गया था, सिर्फ 60 मीटर गया था, दूसरे केस में कितना गया है, 180 मीटर गया है। तो जो कुल दूरी है क्या है, टोटल डिस्टेंस है, जो कुल दूरी है, जो टोटल आपका डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा भाई, 240, कितना हो जाएगा, 240 मीटर। और समय कितना लगा उसे, मिनट है यहाँ पर, 1 मिनट ये है और 1 मिनट ये है, तो कुल कितना लगी, 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। कुल समय बटे कुल दूरी से हमने क्या किया, इसे सोल्व किया, तो कितना आ गया उत्तर, 2 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। जैसे इसके आंसर दिए भी गए थे, आंसर सी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आप मुझसे जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक या कहीं पर भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप या इसके कमेंट सेक्शन में एक बार ये ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना था। जिन बच्चों ने इसे पहले अटैम्प्ट किया था वो मुझे ज़रूर बताइए उनका स्कोर कितना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार ट्रेवल्स डिस्टेंस, उसने कहा है कि एक गाड़ी ए से बी तक जाती है कितनी स्पीड के साथ, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, और ए से बी तक क्या कहा गया है कि वो ए से बी पर गई और बी से वापस ए पर आ गई, ठीक है। जाते वक्त उसकी चाल दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आते वक्त उसकी चाल दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात तो हमेशा याद रखना, फिजिक्स के अंदर जब भी दूरी बराबर हो, ये फिजिक्स और मैथ के नॉर्मल ट्रेन एंड डिस्टेंस स्पीड और टाइम के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन हैं जो मैथ्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो जाते वक्त क्या होती है, जब दूरी बराबर हो, क्या हो, जब दूरी बराबर हो और औसत चाल निकालनी हो, क्या करना हो,
औसत चाल निकालनी हो और जब क्या हो दूरी बराबर हो तो उसमें कौन सा सूत्र लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं 2v1v2 बटे में v1 जमा में v2। ये आपका क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है जब क्या हो दूरी बराबर हो और औसत चाल निकालनी हो। v1 क्या है, पहली चाल, v2 क्या है, दूसरी चाल। v1 यहाँ पर पहली चाल और v2 यहाँ पर दूसरी चाल। तो v1 का मान कितना दिया गया 40, v2 का मान कितना दिया गया, v1 का मान कितना दिया गया 40 और v2 का मान कितना दिया गया 30। दो इनके गुणा में था, यही सूत्र था ना 2v1 + v2। और नीचे क्या था, v1 + v2, नीचे क्या था v1 + v2। चलो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला है 2v1v2 बाय में v1 + v2। तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो वैल्यू रखी 2 गुणा में v1 का मान, v1 की वैल्यू कितनी भाई 40, v2 की वैल्यू कितनी 30, और बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे 40 जमा 30 कितना आ गया 70, कितना आ गया 40 जमा 30 70 आ गया। चालीस जमा तीस कितना गया 70, 0 से 0 काट दिया तो ये कितना बना, ये बना 40 + 120 120 × 240 बटे में 7। हमारे पास कितना अब आया, हमारे पास आया 240 बटे में 7। अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 34.3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ जाएगा 34.3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ जाएगा। गाइज आपका अगर कोई भी बहन भाई एयरफोर्स NDA नेवी इनकी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के बच्चे भी इनसे आप बेसिक सीख सकते हैं, बेसिक फिजिक्स का, और HSSC के बच्चों के लिए तो ये रामबाण साबित होगा आने वाले एग्जाम्स में, तो इस पे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस A to B, एक गाड़ी ए से बी पर जाती है किस गति के साथ, 45.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ, और वापस आती है ए पर। पीछे वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा कहा गया है कि ए से बी पर गई, क्या कहा गया है कि ए से बी पर गई, ठीक है। तो जाने का जो क्या थी, जो दूरी उसने तय की, स्पीड कितनी थी 45.5 जाते वक्त, और जब बी से ए पर वापस आई तो चाल कितनी दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है 33.3 दी गई है, कितनी दी गई है 33.3। और उसने पूछा है कि औसत वेग कितना होगा, औसत वेग कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। गाइज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होती है विस्थापन बटे दूरी, विस्थापन बटे समय, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब वो ए से चला और कहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, क्या होता है जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको आप अच्छे से उसकी थ्योरी समझनी है तो आप एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 11th क्लास के NCERT की, उसका दूसरी या तीसरी वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो भाई वो एक बिंदु से, जिस बिंदु से शुरू हुआ उसी पर आकर रुक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका विस्थापन कितना हुआ 0। अगर कोई चीज़ 0 है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है भाई आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी का उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 0 बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है दिल्ली इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला, ए सेट्स आउट फ्रॉम अंबाला एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड बी सेट्स आउट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर घंटे। भाई उसने कहा है कि दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है और ए जिस समय अंबाला से दिल्ली की तरफ निकलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के साथ, अंबाला से दिल्ली की तरफ चलता है किस चाल के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के साथ, उसी समय बी क्या करता है दिल्ली, क्या करता है दिल्ली से चलता है कहाँ के लिए अंबाला के लिए किस चाल के साथ भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ। तो मुझे बताइए कि वो दोनों कब मिलेंगे, वो दोनों कितनी देर के बाद मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए भाई दोनों के बीच की, अब पहली बात, जब दो चीज़ें एक ही दिशा में जा रही हों, जब दो चीज़ें एक ही दिशा में जा रही हों तो उनकी चाल क्या कर जाती हैं घट जाती हैं, क्या कर जाती हैं भाई घट जाती हैं। और जब दो चीज़ें विपरीत दिशा में जा रही है तो उनकी जो स्पीड होती है, जो चाल होती है वो क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, दोनों एक दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो हमेशा क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि वो अलग अलग दिशा में, क्यों, एक अंबाला से दिल्ली गया और दूसरा दिल्ली से अंबाला, तो
क्या है, दिशा अलग अलग है, तो दोनों की चाल को जोड़ दो, कुल चाल कितनी बनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालने के लिए सूत्र क्या बनता है, दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए सूत्र क्या बनता है, दूरी बटे चाल। हमारे पास दूरी कितनी आई भाई, 200 है। दूरी कितनी है, 200 है, ठीक है, और चाल कितनी है, 50। तो यहाँ से उत्तर कितना आ गया, 4 घंटे। कितना आ गया, 4 घंटे। क्लियर है। अब ये मत कर देना सर 200 उसका 200 उसका, नहीं, वो रास्ते में कहीं मिलेंगे, समझो इस बात को। क्या कहा गया है भाई, मान लो इस अंबाला से वो बंदा दिल्ली की तरफ निकला, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर ए पहुँचा है, तो उस समय दिल्ली से यहाँ तक बी पहुँच चुका है। दोनों ने कुल मिलाकर कितना तय कर लिया, 200। दोनों ने कुल मिलाकर कितना तय कर लिया, 200। तो इसलिए कितना लेना है, 200 लेना है, ये बात ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 3 meters per second अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट्स एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 0.6 meters per second, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 30 seconds। तो उसने कहा कि भाई कोई पार्टिकल है, कोई कण है, जो जिसका शुरुआती वेग 3 meters per second है, वह एक्स एक्स जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से चलता है, और उसकी जो क्या है, जो उसका त्वरण है, जो उसकी एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो कितना है, 0.6 meters per second। कितना है, 0.6 meters per second है। तो बताइए कि पहली 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। भाई आपने न्यूटन की 3 इक्वेशन पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो फिर से कह रहा हूँ, पहले वो वीडियो देखना जिसके अंदर क्लास 11th की एनसीईआरटी में काइनेमेटिक्स बताया गया है। मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी उस वीडियो को शेयर किया था, आई होप कि आप जिससे ज़्यादातर बच्चों ने वो देख ली होगी, ठीक है। इंग्लिश में है मानता हूँ, पर इतनी भी इंग्लिश नहीं है कि आप समझ ना पाओ, कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, हिंदी में साथ साथ उसमें बोल रहा हूँ। तो भाई वहाँ पर हमने एक सूत्र देखा था, जिसका सूत्र क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए हाफ ए टी स्क्वेयर। फॉर्मूला क्या बना था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए हाफ ए टी स्क्वेयर। एस क्या था, डिस्टेंस, यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या था, टाइम था, और ए क्या थी, एक्सेलरेशन। ए क्या थी, एक्सेलरेशन, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। इनिशियल वेलोसिटी यू का मान कितना, 3। समय कितना दे रखा है, 3 सेकंड, जमा में 1/2। ए का मान कितना, 0.6, और 3 का वर्ग, समय का 3 का वर्ग तो कितना हो गया, 9, ठीक है। इसे काटेंगे तो ये कितना आ गया, 0.3, ठीक है, 3 3 9। अब आगे कैलकुलेट करेंगे, 3 × 3 कितना आया, 9 आया, और 9 × 0.3 कितना आया, 2.7 आ गया, ठीक है। इसे अगर हम जोड़ते हैं तो कुल कितना आ जाएगा, 9 × 2.7, कुल कितना आ जाएगा, 11.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11.7 meters आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा फॉर्मूले में पुट करना था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, और गाइज आप समझ नहीं पाते आपको करना क्या है, ठीक है। अभी तो बेसिक सीरीज चल रही है, एडवांस लेवल पर भी आऊँगा और वो भी सीखेंगे। हाँ, पर यूँ है, HSSC के बच्चे अगर इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो भाई उनके लिए रामबाण साबित होगा फिजिक्स के अंदर, और धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री बायो सब भी करवाऊँगा। अब आपकी और भी क्लासेज आने स्टार्ट होंगी धीरे धीरे, आपकी हरियाणा जीके वगैरह या फिर और सब्जेक्ट्स की क्लासेज, जैसे NDA वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और HSSC के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर वगैरह, इन सब क्लासेज का वहाँ पर प्रबंध करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद द इनिशियल वेलोसिटी 3 meters per second। एक क्या है भाई, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन डिट्टो दिया गया है। क्या दिया गया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन दिया गया है। उसने पूछा है कि उस कण को 9 meters per second का वेग, 9 meters per second का वेग हासिल करने के लिए कितना समय लगेगा। तो एक इक्वेशन और पढ़ी थी, v = u + at, एक इक्वेशन और पढ़ी थी जिसका फॉर्मूला क्या था, v = u + at। वी क्या था, अंतिम वेग। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेग। A क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण, और T क्या है, टाइम, समय। तो V की वैल्यू कितनी दी गई है, 9, क्योंकि भाई कौन सा वेग उसे अचीव करना है, 9 meters per second। अंतिम वेग कितना बना, 9 meters per second। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बनी, 3। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, 0.6, और T हमें क्या करना है, निकालना है। तो 9 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 9 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 = 0.6 × T। यहाँ से अगर T निकाला, यहाँ से क्या किया, अगर T को निकालते हैं, यहाँ से अगर T निकालते हैं तो कितना आएगा, 6/0.6, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, 10, ठीक है। यहाँ तक आई हो आपको सबको समझ में आ गया होगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करते रहें।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 0.3 सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस। उसने कहा कि मैं कितनी दूरी तय कर लेगा। इसके अंदर उसने क्वेश्चन बदल दिया कि 9 मीटर प्रति सेकंड का वेग हासिल करने के लिए, 9 मीटर प्रति सेकंड का वेग हासिल करने के लिए वह कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर। तो उसने शुरुआती वेग दे दिया हमें। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया, शुरुआती वेग, अंतिम वेग और एक्सेलरेशन दे दिया। तो हमें पहले टाइम निकालना है। तो पहला जो हम समीकरण लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। वी का मान कितना 9 और यू का मान कितना 3 और ए का मान कितना 0.6 × t। वैसे पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 10 सेकंड आया था। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, 6 बराबर है 0.6 t। यहाँ से t निकाला तो कितना आ गया, 6/0.6, 10 मतलब हटाओगे तो ऊपर क्या चली जाएगा, 10 × 10 तो कितना बच गया, 10 बच गया। सॉरी गाइज, वो बीच में स्क्रीन रोटेट कर गई थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कितना बचेगा भाई आपका, 10 बच जाएगा, 10 सेकंड टाइम आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी एक और इक्वेशन थी s इजिकल टू यू टी प्लस ए हाफ ए टी स्केयर। एक और इक्वेशन थी s इजिकल टू यू टी प्लस ए हाफ ए टी स्केयर, उससे निकाल लो। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, वी स्केयर माइनस ए यू स्केयर इजिकल टू 2as a। ठीक है, यहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है शुरुआती वेग, a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है, a क्या है त्वरण, s क्या है डिस्टेंस दूरी। तो अंतिम वेग कितना दिया गया, 9 का वर्ग, कितना 9 का वर्ग, शुरुआती वेग 3 का वर्ग, 2 × 0.6 × s, ये आपका क्वेश्चन बना। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9 का वर्ग कितना 81, 9 का वर्ग कितना 81, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना 9। ठीक है, एक बार इसे कैलकुलेट करते हैं, 9 का वर्ग कितना बना 81, 3 का वर्ग कितना बना 9, तो 2 × 0.6 × s, 81 में से 9 गए, तो कितना बचा भाई, 72 बचा, कितना बचा 72। और इसे क्या करेंगे, 0.26, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 1.2 × s। अगर यहाँ से s निकालते हैं, यहाँ से s का मान निकालेंगे तो s का मान आ जाएगा 72/1.2। ठीक है, इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 10 गुणा में कर देंगे, अगर इस दशमलव को हटाना है तो 12 × 6 = 72, और ये कितना आ जाएगा, 60 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पर ध्यान देंगे कि उसने कहा है कि अगर एक वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, कंडीशन दी गई है फ्रीली फॉलिंग। फ्रीली फॉलिंग वो कंडीशन होती है, वो दशा होती है जिस वस्तु पर सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा हो, उस स्थिति को क्या कहते हैं, फ्री फॉल फॉलिंग फ्रीली कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके ऊपर हमने कोई बल नहीं लगाया। और एक फ्री फॉल शब्द होता है, एक फ्री फॉल शब्द होता है जब उसके ऊपर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल, मतलब सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जो उसका भार है वो सिर्फ mg के ऊपर काम हो, उसे फ्री फॉल कहते हैं। मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो किसके बराबर हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो। तो ग्रेविटेशन का एक चैप्टर था, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में वह कितना रेशियो होगा, ये हमें कैलकुलेट करना। चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं भाई। देखो, अगर ऊपर से नीचे कर रही है तो शुरुआती वेग कितना हो जाएगा, 0, और इसकी इक्वेशन आपको पढ़ा दी गई है पहले भी। हम कैलकुलेट करेंगे s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर से, हाफ जी टी स्केयर से कैलकुलेट करेंगे, हाफ जी टी स्केयर से, क्योंकि अप डाउन गिर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को काउंट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, s इजिकल टू हाफ जी टी स्केयर, क्या बनेगा, s इजिकल टू हाफ जी टी स्केयर। तो इसको रखते हैं पहले के लिए, s इजिकल टू हाफ एस वन, पहली दशा में जब टाइम कितना है, t का मान 1 रखा, तो उत्तर कितना आया, 1/2 g। ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे ही s2 निकालेंगे तो 1/2 g, t का मान कितना, दूसरी सेकंड, और t का क्या करना है, वर्ग करना है, t का क्या करना है, वर्ग करना है, तो कितना आ जाएगा, 4 × 2, इसे 2 से काट देंगे तो कितना गया, 2g। ठीक है, अब तीसरी सेकंड की बात करेंगे तो s3 कितना आ जाएगा, 1/2, इसे काटिए मत, इसे 4 रखिए और इसे 2 रखिए, इसे काटिए मत, क्योंकि आपको आगे डायरेक्ट कट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, s3 अगर आपको निकालना है तो s3 कितना आ जाएगा, 1/2 g,
टी का मान कितना, टाइम समय तीसरी सेकंड है, कितना है थर्ड सेकंड, तो तीन का वर्ग नौ, तीन का वर्ग नौ, तो पहला कितना है एक बटा दो जी, दूसरा कितना है एक बटा दो जी चार और एक बटा दो जी नौ। तो इन मान को एक साथ रखेंगे, एस वन अनुपात एस टू अनुपात एस थ्री, एस वन रेशो एस टू रेशो एस थ्री, ये कितना आया एक बटा दो जी, ये कितना आया एक बटा दो जी चार और ये कितना आया एक बटा दो जी नौ। जी से जी कट जाएगा तीनों में और एक बटा दो से एक बटा दो कट जाएगा, तो अनुपात कितना रह जाएगा एक अनुपात चार अनुपात नौ, एक अनुपात चार अनुपात नौ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, अगर ये सिंपल मैथ का क्वेश्चन होता तो यहीं पे ख़त्म हो जाता। अभी फिजिक्स है, उसने पूछा कि तीनों सेकंड्स के अंदर, तो भाई पहली सेकंड में वो कितना तय कर चुका था एक मीटर मान लो, तो पहली दो में कुल मिलाकर कितना तय किया, पहली दो में पहली दो सेकंड में कुल मिलाकर चार तय किया और दूसरी दूसरी में पहली से दूसरी के बीच में कितना तय किया तीन, और पहले तीन में कुल कितना किया नौ, पहले तीन में कुल कितना किया नौ और दूसरी दूसरी से तीसरी में जाने के लिए कितना तय किया पाँच, कितना तय किया पाँच। ठीक है, तो इस हिसाब से एक अनुपात तीन अनुपात पाँच क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा, क्या जाएगा उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो अगली भी क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर किसी कण का वेग 180 घटा में 16x की घात 1 बटा 2 इस समीकरण के साथ दी जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। तो गाइस ध्यान रखना, जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है वेलोसिटी बाय टाइम होती है, क्या होती है वेलोसिटी बाय टाइम होती है। ठीक है, क्या होता है वेग बटे समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर dv बाय dt क्या किया डिफ्रेंशिएशन, क्या किया भाई डिफ्रेंशिएशन किया किसका dv बाई dt से a निकालने के लिए क्या किया वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन किया। वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई थी 180 माइनस 16x की घात 1 बटा 2, हमें क्या दिया गया है 180 माइनस 16x की घात 1 बटा 2, ये हमें क्या दी गई है इक्वेशन दी गई है किसकी वेलोसिटी की। तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी आपकी कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, अगर इसका करेंगे क्या करेंगे इसका, और गाइस ये थोड़ा सा गड़बड़ में है, ये एक्चुअली क्या है ये टोटल की पावर नहीं है, ये सिर्फ क्या है ये पावर आएगी 16x की पावर आएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये कितना आएगा 180 घटा में 16x की घात 1 बटा 2, कुछ ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो देखो गाइज ये कांस्टेंट है, ये एक मानक टर्म है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है, ये क्या है एक मानक टर्म है मानक संख्या है और उनका क्या होता है जिनका मान हो उनका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। 16x, ठीक है, जब भी ऐसा हो क्या हो कोई संख्या हो तो इसका u इंटू वी से करते हैं, सीधा सीधा याद रखो इस संख्या को जो का तो रखो 16 लिख लिया, x रेज टू पावर ओमेगा 2 का कितना हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट किया कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो भी किसका माइनस का, ऑप्शन डी जो आपका है वो क्या है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक आया, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अरे कुछ नहीं करना, एक्स रेज टू पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट की है पावर 1/2 कितना है, ये कंप्लीट की पावर 1/2 है। अरे यार चलो देखिए 180 घटा में, कुछ को भी समझ में नहीं आया हुआ एक्चुअली, मेरे से ही थोड़ा टिपिकल पढ़ा दिया गया, ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा जीरो, इसका क्या करोगे 1/2 आगे और 16x का कितना सिर्फ 16x का कितना 16, क्योंकि 16x का जब भी ऐसी कोई संख्या हो 4x 5x तो उनका क्या करो सीधे वाली जो संख्या है ये क्या होती है उनकी टर्म होती है, आगे मैथ्स की जब क्लासेज होंगी तो आपको यहाँ पर उनका भी रिजल्ट पता चल जाएगा ये ऐसा क्यों होता, तो इसे काट देंगे कितना आ जाएगा 8, वो भी कैसा माइनस का, तो उत्तर कितना आ गया माइनस 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं गाइस। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा टी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, देखो गाइस उसने कहा है कि एक्सेलरेशन, ठीक है एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी है और हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है वेलोसिटी बटे टाइम। ठीक है, बट अगर वेलोसिटी को मैं लिखना चाहूँ वेग को लिखना चाहूँ तो वो क्या बनेगा विस्थापन बटे समय।
ठीक है, विस्थापन बटे समय, मतलब दो बार समय नीचे आया है। और ऐसा समीकरण दिया जाए जब छोटे से बड़े में लेके जाना हो, एक्सेलरेशन तो छोटे सा मान है और दूरी क्या है, बड़ा मान है, ठीक है। या फिर कभी भी ऐसा हो कि जो चीज़ हमें निकालनी है वो दी हुई दो चीज़ों की क्या हो, गुणा हो, दी हुई दो चीज़ों की गुणा हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। गाइस इसमें कुछ क्वेश्चन, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो किस लेवल पे डाले गए हैं, एयरफोर्स लेवल पे डाले गए हैं, ताकि HSSC कितने भी ऊंचाई तक आपसे क्वेश्चन पूछ ले आप कर दोगे तो ये उस लेवल पे डाले गए हैं। तो आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। अब समझेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा। इंटीग्रेशन करना है किसका, माइनस आर साइन अल्फा टी, किसका है, माइनस आर साइन आर अल्फा स्क्वेयर साइन अल्फा टी, ये आपका इंटीग्रेशन करना है। तो आर अल्फा स्क्वेयर का तो कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, आर अल्फा स्क्वेयर का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, और कितनी बार करना है, दो बार करना है। क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका आप क्या करोगे, डबल इंटीग्रेशन करोगे। तो डबल इंटीग्रेशन करने के लिए पहले साइन अल्फा टी का इंटीग्रेशन किया, क्या किया, साइन अल्फा टी का इंटीग्रेशन क्या आया, कोस अल्फा टी, क्या आया, साइन का कोस अल्फा टी बटे में अल्फा, क्या आ जाएगा, कोस अल्फा टी बटे में अल्फा। अब डबल इंटीग्रेशन था, एक इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, गुणा में क्या है, आर अल्फा स्क्वेयर है, तो अल्फा से एक पावर कट चुकी है, अल्फा से एक पावर कट चुकी है। अब हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन आर अल्फा कोस अल्फा टी, कोस अल्फा टी, ठीक है, लिख नहीं पा रहा हूँ, देख लेना गाइस एक बार। तो इसका फिर से करेंगे तो आर अल्फा जो का, तो कोस अल्फा टी का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा टी बटे में अल्फा, ठीक है, अल्फा से अल्फा कट गया तो कितना आ जाएगा, साइन आर साइन अल्फा टी, कितना आ जाएगा, आर साइन अल्फा टी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब साइन का जब अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होता है, माइनस कोस, तो माइनस माइनस वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब अगले दस क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो गाइस फिर से कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, और अगर मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर मैं आपको लाइव क्लासेस भी दे पाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव क्लासेस दूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँ, तभी मुझे यूट्यूब परमिशन देगा कि मैं आपको लाइव आ सकूँ। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from which the ball is thrown is 25 meter from the ground. भाई उसने कहा है कि 25 मीटर की कोई बिल्डिंग है, भाई 25 मीटर की बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा, उसने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी किस वेग के साथ, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें क्या निकालना है कि बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी पर वो गेंद जाएगी। तो भाई इक्वेशन बनेगी s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। फिर से कह रहा हूँ भाई, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लेना, क्योंकि उनके बिना आप ये इक्वेशन नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये बन कहाँ से रही है। अब आप बैठे बैठे ये सोचोगे, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है, वो आपकी क्लासेज हो चुकी हैं, बाकी फिर से वो क्लासेज होंगी आगे, पर फिलहाल आप वहाँ से सीख सकते हैं। माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि वो गेंद क्या कर रही है, ऊपर की जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और अप डाउन मोशन के अंदर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते वक्त त्वरण कौन सा लेते हैं, पृथ्वी का। तो S शुरुआत में गेंद क्या थी, हाथ में थी, इनिशियली जो बॉल थी शुरुआत में जो गेंद थी वो क्या थी भाई, हाथ में थी, हाथ में थी, तो उसका शुरुआती वेग कितना था, जीरो, क्योंकि वो स्थिर थी, रेस्ट पे थी, तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है शुरुआती वेग वो क्या है, जीरो। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, जीरो। इसके अंदर मान रखते हैं एक बटा दो, जी का मान कितना दिया, दस, और उसने पूछा है कि बताइए ओके सॉरी गाइस थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, दोबारा से करते हैं, सॉरी। हमारी एक और इक्वेशन होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एस, और ये ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा, जी को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। मैंने सोचा टाइम दे रखा, टाइम नहीं दे रखा, उसने कहा है शुरुआती वेग 20 मीटर पर सेकंड, जो यू है वो कितना दिया गया है, 20 मीटर सेकंड। अब गेंद एक ऊंचाई पर जाकर, उसने कहा है कि मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई द, भाई वो ऊंचाई बतानी है जहाँ पर वो गेंद पहुंचकर वापस नीचे आने लगेगी, जहाँ पर वो गेंद पहुंचकर वापस नीचे आने लगेगी वो ऊंचाई आपको बतानी है। तो वहाँ पर जब गेंद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, अरे हम किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे आना शुरू करती है, तो वो जब नीचे आना शुरू किया, जिस ऊंचाई पर वो पहुंच के रुकी, रुकते ही तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो रुक गई है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो, और इसका यू का मान कितना है, 20, 20 का वर्ग कितना आ जाएगा, 20 गुणा में 20, दो, जी का मान कितना, 10, जी का मान कितना, 10, एस, माइनस का साइन, माइनस से माइनस कट जाएगा,
और 10 × 20 से 20 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 20 मीटर। उत्तर कितना आ जाएगा 20 मीटर आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं गाइस। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम व्हेन वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 मीटर फ्रॉम द उसने कहा है कि पिछला ही जो क्वेश्चन बताया गया था कि एक गेंद को 25 मीटर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है किस वेग के साथ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ, तो बताइए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई वो गेंद तय करेगी और उसके बाद वो ज़मीन पर कहाँ पर ज़मीन पर मतलब क्या कहा गया है समझिए इस क्वेश्चन को एक बार। कहा है कि यहाँ से गेंद फेंकी गई ऊपर गई ऊपर से वापस नीचे आई तो यहाँ तक आने में नीचे आने में उसे कुल कितना समय लगा। तो पहले तो क्या करते हैं यहाँ से ऊपर जाने का समय निकालते हैं बस, क्योंकि गेंद तो यहाँ से फेंकी गई थी। ऊपर जाने का समय निकालने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या किया था ऊपर जाने का समय निकालने की विधि देखी थी। तो निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू यू ऊपर जा रही है तो इक्वेशन क्या बनेगी माइनस जी टी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अंतिम वेग कितना लिया था 0, शुरुआती वेग कितना है 20 और g का मान कितना है 10 t। यहाँ से अगर t निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो यहाँ से ऊपर जाते वक्त उसे कितना समय लगा भाई 2 सेकेंड, ऊपर जाते वक्त कितना लगा 2 सेकेंड। अब देखेंगे कि नीचे आते वक्त उसे कितना समय लगेगा, एक बार ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसे नीचे आते वक्त कितना समय लगेगा, एक बार ये चीज़ भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखेंगे भाई नीचे आ रही है गेंद क्या कर रही है नीचे आ रही है नीचे 20। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसी के पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है कि उसने ऊपर जाने के लिए कितनी ये दूरी कितनी थी 20 मीटर और ये कितनी है 25 मीटर ये दूरी कितनी 20 मीटर और ये दूरी कितनी 25 मीटर ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी होगी 45। इक्वेशन लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर ये इक्वेशन लगाएंगे। तो भाई कुल दूरी कितनी तय की 20 ये 25 ये कुल कितनी होगी 45। यू शुरुआती वेग कौन सी दशा का जब वो गेंद यहाँ से नीचे की तरफ चली यहाँ से नीचे की तरफ चली भाई यहाँ पे तो रुकी थी ना पहले फिर नीचे की तरफ चली तो शुरुआती वेग कितना था 0। ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी टोटली 0 हो जाएगी। तो माइनस 1/2 जी का मान कितना भाई 10 कितना 10 गुणा में टी का वर्ग। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 × 45 5 × 2 = 10 2 से 2 को काट दिया तो टी का वर्ग कितना आ गया 9 और टी का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कितना आ जाएगा 3। तो भाई 3 तो इसे यहाँ से यहाँ तक आने में लग गया और 2 ऊपर जाने में तो कुल कितना हो गया 3 × 2 = 5 कुल कितना हो गया 5। तो उत्तर कितना आएगा 5 उत्तर कितना आएगा 5 सेकेंड का उसे समय लगेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड एंड 24 मीटर इन 9 सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन 15 सेकेंड। भाई उसने कहा है कि 7वीं सेकेंड के अंदर 7 सेकेंड नहीं बोला उसने ये नहीं कहा कि 7 सेकेंड में उसने कहा 7वीं मतलब 6 से 7 के बीच में ये क्या हुआ समझिए एक बार 1 से 6 तक वो चला पर 6 से 7 में उसने सिर्फ 20 मीटर तय किया। ऐसे ही 7 से 8 तक भी चला बट 8 से 9 के बीच में उसने 24 मीटर की दूरी तय की गई। अब हमें बताना है जब वो 14 से 15 सेकंड पर जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। nth सेकंड का एक फॉर्मूला बनता है गाइस पहले भी मैं बता चुका हूँ सुन लीजिए। nth सेकंड मतलब किसी भी मैं कह दूँ 5वें सेकंड में 6ठे सेकंड में 10वें सेकंड में किसी भी सेकंड में तो सूत्र बनता है यू जमा में ए ब्रैकेट 2n^(1)^2 अगली बार इस बात पे ध्यान रखा जाएगा कि आपका ये बैक ना जाए अगली बार से मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा सॉरी गाइस 2n/2 तो u आपको पता है शुरुआती वेग होता है a आपको पता है त्वरण होता है और n क्या है जो टाइम दिया गया है जो सेकंड दी गई है 7वीं 10वीं 15वीं जो भी दी गई है ठीक है। इसके अंदर मान रखते चलेंगे sn का मान कितना भाई 20 sn का मान कितना 20 क्योंकि 20 मीटर है कौन से सेकंड में 7वीं में ठीक है किस में 7वीं में u जो का त्यों रखते हैं ठीक है u क्या रखते हैं जो का त्यों रखते हैं इसे पूरा लिख लेते हैं एक बार फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा n का मान 20 u जो का त्यों रख लिया ठीक है a का मान भी जो का त्यों
टू एन माइनस वन, एन क्या है सेकंड, तो कौन सी है सातवीं सेकंड है, तो कितना आ जाएगा 14 घटा में 1/2। अब दो को दोनों तरफ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 बराबर है 2u/13a, 40 बराबर है 2u/13a। इस समीकरण को याद रखना, आपने कहीं पे नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, 40 बराबर है 2u/13a। अब दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दूसरी 9 सेकंड की इक्वेशन है, तो फिर से डिस्टेंस कितना 24, दूरी कितनी 9वें सेकंड के अंदर 24, यू जमा में ए 2n, n का मान अब की बार कितना 9, 9 दुनी 18, 18 में से एक यहाँ पर घटेगा 1/2। फिर से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 2u/17a। किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपने पर्सनल वो जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका लिंक आपको दिया जाएगा, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास एक इक्वेशन है 48 बराबर है 2u/17a, इससे पहले इक्वेशन थी 40 बराबर है 2u/13a। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, पहली बनी 40 बराबर है 2u/13a, दूसरी इक्वेशन बनी 48 बराबर है 2u/17a। दोनों को क्या करो घटा दो, दोनों को क्या करो घटा दो, 2u से 2u कट जाएगा तो 8 बराबर है, माइनस का 8 बराबर है माइनस से 4a, माइनस से माइनस कटा 4 दुनी 8, तो a का मान कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, a का मान कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास त्वरण कितना आ गया भाई 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर इस समीकरण में मैं a का मान रख दूं तो मेरे पास u का मान भी आ जाएगा। चलो एक बार इस समीकरण में a का मान रख लेते हैं। समीकरण था 40 बराबर है 2u/13a, a का मान कितना 2, 13 दुनी 26, तो 40 घटा में 26 बराबर है 2u, 40 घटा में 26 बराबर है 2u, यहाँ से 2u निकाला कितना आ गया 14, तो u कितना आ जाएगा 7, u कितना आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड, u कितना आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या निकालना है 15वीं सेकंड के अंदर, अब क्या निकालना है 15वीं सेकंड के अंदर, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 15वीं सेकंड में s तो निकालना पड़ेगा, s 15, ये तो हमें निकालना ही है। u का मान कितना आया 7 आया, u का मान कितना आया 7 आया, a का मान कितना आया था 2, n का मान कितना 15 घटा में 1/2, 15 दुनी 30 घटा में 1 29 बटे में 2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 जमा में 29 कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ गया 36, आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो गाइज आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये बच्चे एनडी और एयरफोर्स वाले जो बच्चे हैं, प्लीज़ आप सभी से, अगर आप में से कोई देख रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले पे आते हैं 14 पर, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ़ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एक्स इन टी सेकंड, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकंड। भाई उसने कहा है कि एक पार्टिकल, एक कण स्थिर है और चलना शुरू करता है एक त्वरण के साथ, ए त्वरण के साथ, अगर वह पहले टी सेकंड के अंदर एक्स दूरी तय करता है तो बताइए अगली टी सेकंड के अंदर वह कितनी दूरी तय करेगा। चलो भाई इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। उसका शुरुआती वेग कितना दिया गया है, यू जीरो दिया गया है, यू क्या दिया गया है जीरो, तो इक्वेशन लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए टी स्क्वेयर हम क्या लगाएंगे इक्वेशन लगाएंगे। एस हमें क्या करना है निकालना है, यू कितना दिया गया जीरो, तो ये पूरी संख्या क्या जीरो, 1/2, ए टी का मान कितना टी दिया गया है, तो एक्स कितना है एस कितना है एक्स है, एस कितना है एस है, तो एक्स बराबर है 2a t स्क्वेयर, यहाँ से a का मान अगर हम निकाल लें तो कितना आ जाएगा 2x/t² a का मान ध्यान रखेंगे कितना आ जाएगा 2x/t². अब अगली t सेकंड का मतलब है पहले वो t समय था, फिर एक t और जोड़ दो, क्या कर दो एक t और जोड़ दो। चलो निकालते हैं इसको भी, या फिर ऐसे ही रखो x बराबर है 1/2 t² 1/x किसके बराबर है 1/2 a t² देखते हैं भाई x किसके बराबर आया हमारा 1/2 a t² आया। अब दूसरी इक्वेशन है जब समय कितना हो चुका है 2t, 2 एक बार t फिर से t को जोड़ा, तो इस बार s कितना आ जाएगा 1/2 a
क्योंकि इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई, शुरुआती वेग जीरो दिया गया, तो यू जीरो हो जाएगा, वो पूरी संख्या जीरो, तो एक बटा दो ए टी कितना है, टू टी का वर्ग, टू टी का वर्ग। तो इसे लिखूंगा कितना आ जाएगा, एक बटा दो ए चार टी वर्ग, चार टी वर्ग, एक बटा दो ए टी वर्ग को मैं एक्स लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से लिख सकता हूँ ना, एक बटा दो ए टी वर्ग को क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एस टू बराबर है कितना, फोर एक्स, एस टू बराबर है फोर एक्स भाई। पहले टी सेकंड में कितना था, एक्स था, अब दो, दोनों सेकंड को मिलाकर कुल कितना है, फोर एक्स है, ठीक है। अब समझेंगे इसको, उसने कहा है कि जब पहला टी टाइम था तो उसमें एक्स था, और अब दूसरे टी में जब ये दोनों टी मिले तो ये कुल दूरी कितनी होगी, चार, ठीक है। पहले टी में इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x थी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4x है, तो ये कितनी बची, 3x, कितनी बची, 3x, जो हमें निकालना था, उत्तर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो गाइज आई होप कि यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो बेहतरीन क्वेश्चन है। एक इंसान डी मीटर दूरी पर खड़ा है किससे, एक बस से, और बस चलना शुरू करती है एक त्वरण के साथ, ए त्वरण के साथ। अब वो इंसान बस को पकड़ने के लिए वी वेग के साथ भागता है, तो बताइए कम से कम कितनी दूरी, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम हाँ। तो गाइस हमारा जो 15 क्वेश्चन, हम उस पर एक बार ध्यान देंगे। उसने कहा है कि एक पैसेंजर है, मान लो यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और यहाँ पर कोई बस है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है भाई आपको, डी दी गई है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, डी। ये बस चलना शुरू करती है ए एक्सेलरेशन के पास, और यहाँ पहुँच कर उस इंसान बस को पकड़ लेता है, यहाँ पहुँच कर वो इंसान इस बस को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। ये आपको क्या दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है। तो चलिए गाइस हम इसे एक बार क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो शुरुआत में क्या है, बस ए एक्सेलरेशन के साथ चली, बस क्या किया, बस ए एक्सेलरेशन के साथ चली, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टू स्क्वायर। बस के द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टू स्क्वायर। शुरुआत में बस का वेग कितना है, जीरो है, यू क्या है, जीरो है, तो फॉर्मूला कितना रह जाएगा, दूरी बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, एक बटा दो ए टू स्क्वायर, ठीक है। तो बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये बस के द्वारा तय की गई दूरी है। अब इसे एक बार समझते हैं, यहाँ पर वो मनुष्य था और यहाँ पर उसने बस को कैच किया था, पकड़ा था, यहाँ से बस चली थी, तो डी तो ये दूरी दी गई है, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, एस है, ये दूरी कितनी है, एस है। तो ये मनुष्य कुल कितना चला, एस प्लस डी चला, कुल कितना चला, एस प्लस डी। और ये एस प्लस डी कैसे निकालेंगे भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल दें, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या दी गई है, वी दी गई है, वेलोसिटी क्या दी गई है, वी। तो भाई हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एस प्लस डी बराबर है वी टी, एस प्लस डी बराबर है वी टी बन जाएगा। एस का मान यहाँ पर हम रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, एस का मान हमने रखा एक बटा दो ए टी स्क्वायर जमा में डी बराबर है वी टी, बराबर है वी टी। इसे पूरा लिखेंगे, एक दो का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर जमा में टू डी माइनस में टू वी टी बराबर है ज़ीरो, बराबर है ज़ीरो। ये आपका क्या करेगा, समीकरण बन जाएगा। आप यहाँ से क्या कहेंगे कि टाइम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, कि द्विघात समीकरण बन चुका है। इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा, और टी की वैल्यू निकालने के बजाय हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि टी रियल है, टी एक रियल वैल्यू आएगी, क्योंकि टी समय है वो रियल होगा। तो टी की रियल वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए से, आपको पता है वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर, क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। हमारी इक्वेशन थी, हमारी जो इक्वेशन थी उस पर ध्यान देंगे एक बार, हमारी जो इक्वेशन थी वो थी ए टी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस टू वी टी, ये हमारी क्या थी, इक्वेशन थी। तो बी की वैल्यू कितनी है, टू वी है, बी की वैल्यू कितनी है, टू वी है, ए की वैल्यू ए है, और C की वैल्यू कितनी है, 2D है, C की वैल्यू कितनी है, 2D है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो B की वैल्यू पुट करी 2V का स्क्वायर, ठीक है, माइनस
ए की वैल्यू 4a, ए की वैल्यू कितनी रखी a, और c की वैल्यू कितनी रखी, जो हमारा c था उसकी वैल्यू थी 2d, कितनी रखी 2d। इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे सोल्व करूँगा, क्या देगा 4v स्क्वायर माइनस 4a 2d, तो 4 में बराबर है 0, ठीक है। क्या 4 क्या मैं कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, 4 क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारी इक्वेशन क्या बच जाएगी, वी स्क्वायर माइनस 2ad बराबर है 0। t रियल होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है, तो यहाँ से v निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √2ad, v कितना आ जाएगा √2ad, आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, क्लियर है। बीच में फ़ोन में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी गाइस, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, थोड़ा सा हैंग प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नहीं, प्रॉब्लमों से जीत कर ही हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने पे, हमारा जो 16th क्वेश्चन था उस पे देखते हैं। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। उसने कहा कि एक सीधे हाईवे पर 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक कार को 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, तो उसके अंदर रिटार्डेशन का मतलब है जब आपकी वेलोसिटी घट रही हो उस समय जो आपका त्वरण होता है, उसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो भाई सीधी सी बात हमें क्या दिया गया है, एक बात, जब गाड़ी रुकेगी तो हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और एक ऐसा नेगेटिव, क्योंकि रिटार्डेशन का केस है तो एक्सेलेरेशन को कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, त्वरण को कैसा लेते हैं, घटा का लेते हैं। जब गाड़ी रुकी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0, जब गाड़ी रुकी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0। यू का मान कितना दिया गया है 126 किलोमीटर प्रति घंटे को हम किस में बदलने, पहले मीटर प्रति सेकेंड में, 5/18 से आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में लेके आने के लिए क्या करना चाहिए, 5/18 से गुणा करो, इसे काट देते हैं, क्या करेंगे इसे काट देंगे, ये कितने पर जाएगा, 9 से काटते हैं, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, और ये 2 से 7 पर, तो कितना आ गया 35 मीटर प्रति सेकेंड, जो यू की वैल्यू हो कितनी है 35 है, 35 × 35 माइनस का 2a, ए हमें निकालना है, एस का मान कितना है भाई 200 है, एस का मान कितना है 200 है, माइनस से माइनस कटा, अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, हमारी क्वेश्चन क्या थी 35 × 35 बराबर है 200 × ए, ए का मान हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है, ए का मान हमें क्या करना है यहाँ पर निकाल के लाना है, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब करते हैं इसे कैलकुलेट, ये माइनस के साइन के साथ आपका, क्योंकि रिटार्डेशन ऐसी जैसी बात है माइनस में आएगा, तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 5 × 35 = 20, ठीक है, फिर से 5 × 35 = 35 और 5 × 8 = 40, तो ये कितना बना 49/16, तो जिसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा -3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, क्लियर है गाइज। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, वह गाड़ी कितने समय में रुकेगी। पिछले ही क्वेश्चन के बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है, पिछले में पूछा गया कि उस गाड़ी का त्वरण कितना होगा, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी, इसमें पूछा है कि उसे टाइम कितना लगेगा, तो फिर से इक्वेशन लगाते हैं वी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, आप इक्वेशन कौन से लगाएंगे, वी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, वी का मान कितना 0, यू का मान कितना 35, पिछले में निकाला था ना, पिछले में हमने कैलकुलेट किया था 126 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला था तो 35 आया था, ए का मान हमारा कितना आया था 3 point कुछ आया था, ए का मान कितना आया था हमारा 3.06 का आया था, ठीक है। यहाँ से हम 35 को उस तरफ ले जाएंगे, 35 क्या हो जाएगा माइनस का, 35 को उस तरफ ले गए तो माइनस का, आगे करते हैं 35 को अगर मैं दूसरी तरफ लेके गया तो -35 बराबर है -3.06 × t, माइनस से माइनस कटा, और यहाँ से अगर टी का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 11.43 सेकंड, क्या आ जाएगा 11.43 सेकंड आपका टी का मान आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, टू रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अलोंग वन ट्रैक, ट्रेन ए मूव्स विद स्पीड, उसने कहा है कि भाई एक ट्रैक इस तरफ है और एक ट्रैक इस तरफ है, इस पर आने वाली ट्रेन की जो गति है वो है 30 मीटर प्रति सेकेंड, और इस पर आने वाली की ट्रेन की गति है 48 मीटर प्रति सेकेंड, तो दोनों की कुल गति कितनी होगी। मैंने पहले ही बताया था अगर दिशा विपरीत है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो गति को क्या कर दो ऐड, और सेम है तो क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो दोनों विपरीत हैं, तो सीधा सीधा उत्तर कितना हो जाएगा 48 × 30 कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, कितना हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। अब आप पूछोगे सर ईस्ट टू वेस्ट क्यों लिया, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी हाई हो, उसको आप क्या करते हैं फॉलो करते हैं, उसकी तरफ आप क्या निकालते हैं वेलोसिटी निकालते हैं, क्लियर।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा कि दो रेलवे ट्रैक हैं, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बस इसमें फ़र्क कहा है कि जो ग्राउंड है जो ज़मीन है उसकी बी के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी। भाई कहा गया है कि मान लो रोड पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड है, गाड़ी की स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ रोड की गति कितनी होगी। तो रोड की गति कितनी हो जाएगी, बराबर रहेगी। रोड की गति क्या करेगी, बराबर रहेगी, परंतु डायरेक्शन विपरीत होगी। जब आपको पता है आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आपको रोड पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 48, क्योंकि बी की वेलोसिटी कितनी है 48 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका उत्तर भी कितना हो जाएगा 48 मीटर प्रति सेकंड। पर डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इसमें ईस्ट टू वेस्ट है, उसमें क्या हो जाएगी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व हो जाएगी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। टू पैरेलल ट्रैक्स हैं जो रेलवे ट्रैक्स हैं, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन है, ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ चल रही है किस स्पीड की के साथ, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के साथ चल रही है, और ट्रेन बी किसकी तरफ जा रही है दक्षिण की तरफ, किस में जा रही है दक्षिण में जा रही है 90 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ। अगर एक बंदर उस ट्रेन की छत पर, किसकी ए की छत पर चल रहा है और वो भी किसके साथ -18 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, किसके साथ चल रहा है -18 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, मतलब भाई बंदर की जो गति है वो क्या है विपरीत है बंदर की गति। मान लो ट्रेन ए उत्तर की तरफ जा रही है, यहाँ पर उत्तर है, तो बंदर क्या कर रहा है इस तरफ आ रहा है, बंदर क्या कर रहा है इस तरफ आ रहा है, इसलिए तो क्या दिखाया गया माइनस दिखाया गया ना 18, -18 मतलब वो विपरीत दिशा में जा रहा है, इसका कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो अब बंदर की जो चाल है, बंदर की जो चाल है वो कितनी आ जाएगी, अब बंदर की यहाँ पे पूछा है कि जमीन पर खड़े एक इंसान के लिए बंदर की चाल कितनी होगी, तो कितनी होगी भाई ए की चाल कुल कितनी 54, बंदर विपरीत दिशा में जा रहा है, बंदर विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है, ठीक है, बंदर की चाल क्या करती जाएगी घटती जाएगी, बंदर की चाल भी क्या करती जाएगी उसमें से घटती चली जाएगी, उसके लिए मनुष्य के लिए बंदर की चाल क्या करती जाएगी, बंदर मनुष्य की तरफ आता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी ओबेसी बात उसे कम दिखेगी, तो क्या हो जाएगी 54 में से 18 घटाए, 54 में से 18 गए कितने बचे, 54 में से 18 गए तो कितना बता 36, और 36 को हम किस में बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर दिया, 18 × 36 5×10 5×10। अब आप पूछो कि नॉर्थ की तरफ क्यों, अरे रेल जिस तरफ जा रही है तो बंदर उसकी छत पे है और उसके साथ साथ जा रहा है, तो बंदर भी किस दिशा में जाता दिखाई देगा नॉर्थ में, कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ की तरफ। गाइस इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या कीजिए इनसाइट्स एजुकेशन आप सर्च करना, वहां पर मैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा। एफबी पेज भी मेरा है इनसाइट्स एजुकेशन के हब से, मेरा एफबी खुद का अकाउंट है समीर पंघाल के नाम से, और मेरी इंस्टा की जो आईडी है वो क्या है समीर पंघाल, आप इनमें से किसी पर भी मुझसे आकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, इस सेशन के अंदर ही इतना ही, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।